बात खाली एक ही है कि हमारी जो सैलरी है 1250 रुपये महीने की सैलरी मिल रही है हमें, 2 साल से हमें बैंक ने निकाल दिया है, हमने हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है, 2 साल से हम बैंक से बाहर बैठे हुए हैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं हम लोग। हाँ जी 3 साल हो गए कोर्ट में केस चलते हुए, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। दिल्ली टोटल करीब 650 कर्मचारी, 700 कर्मचारी टोटल। हाँ दिल्ली और आसपास के NCR सारा 20,000 आदमी पूरे कर्मचारी। राकेश कुमार झांसी से, झांसी जी। कैंटीन बॉय को 1250 रुपये में क्या है सर गुजारा होगा आप बताइए सर। हम लोग रात दिन सुबह आठ बजे से रात के 9 बजे तक काम करते हैं सर, और 1250 रुपये बैंक देती है उनको तनखा, और 20,000 कैंटीन बॉय हैं कम से कम, 11 उनका भी केस चल रहा है अभी तक, सब लोग मिल रहे हैं केस झेल रहे हम लोग, तो अभी तक लड़ाई चल रही है, अभी तो अभी आया नहीं। मेरा नाम राजवाला है, जो कि कैंटीन बॉय आज़ादपुर से कैंटीन बॉय, जिसमें कि हमारे ये 1200 रुपये दिए जाते हैं, और इसमें भी हमारा इतना हनन किया जाता है कि जिसमें कि हर वक्त तो ये कहा जाता है कि अगर काम नहीं करोगे तो हम निकाल देंगे, मतलब आज की खाके कल की ये पता नहीं होता कि हमें बैंक आना है या नहीं आना। अब इसके अलावा ये धमकियों के अलावा ना खा सकते हम, ना पी सकते हैं, ना बच्चों की देखभाल कर सकते, तो बताओ हम क्या करें इस चीज़ के लिए, ये हमारी कौन सुनवाई करेगा? एक चाय वाले की सुनवाई नहीं कर रहा तो कौन करे? उनको भी तो उम्मीद थी, कभी मैंने चाय बेची है तो कभी मैं प्राइम मिनिस्टर, अरे हम तो ये कह रहे हैं कि हमें मिनिमम बेसिस दिया जाए, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं ये बताइए। आपको धमकी कौन देता है? हमारे एम्प्लॉई ही देते हैं, जो हेड होते हैं, कोई भी सिक्योरिटी है, जो भी 2 पैसे का बंदा नहीं होता जो हमें कह जाता है, वो ये सोचते हैं कि हम तो परमानेंट है, हमारा क्या होगा, इनको निकालो एक तरफ करो। हमारे कम से कम 20,000 हैं, हाँ हाल बढ़ के। मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास, आपका विकास नहीं हो रहा है। अजी हमारा विकास क्या, वो अपना विकास कर ले वो ही बहुत है, उनकी तो फूट पड़ी हुई है खुद ही है, वो हमारा क्या सोचेंगे? केजरीवाल जी थे जिनके दरवाजे हम जाके थक चुके, अरे भाई कहीं हमारी कंप्लेंट करो कहीं। सत्येंद्र जैन जी है, वो सारे ऐसे ही है, बेकार है ये तो बिना नेताओं की दुनिया चलनी चाहिए। झांसी से आया हूँ मैं, हमारी मांग बस इतनी है जो सबकी है, 1200 रुपये में किसी का घर नहीं चलता, हर पर मंथ हमारी सैलरी है 1250, जबकि जो बाबू काम करता है उसमें से 50% काम हम लोग करते हैं सुबह से शाम तक, किसी का फॉर्म भरना, किसी का वाउचर भराना, कहीं इधर से ऑफिस उधर जाना है सर, उसके बावजूद भी जब तक मैनेजर नहीं जाता सुबह 9 बजे बैंक खोलना है, शाम के 9 बजना है, 12 घंटे की ड्यूटी में हम लोग को महीने भर की सैलरी मिलती है 1250, इसमें कोई घर चलता है सर? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग की सैलरी बढ़ाई जाए, हम लोगों को परमानेंट किया जाए। कोर्ट के तो ऑर्डर ये है जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, लेकिन वो क्या बैंक कर्मचारी या आपके जो आला अधिकारी है वो आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, कौन नहीं बढ़ा रहा है? ये ऊपर से ही है सर, हमारे बैंक के कर्मचारी ही कहते हैं कि तुम लोग की सैलरी इतनी रहेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि 1250 में कुछ नहीं होता है। क्या मजदूरी रही है कि आप 1250 में नौकरी कर रहे हैं? 1250 में इसलिए नौकरी कर रहे हैं कि सर हम लोग को शुरू में ये लगा कि आगे चल के हम लोग परमानेंट होंगे, इस उम्मीद में आज मुझे 10 से 12 साल मुझे खुद हो रही हैं, किसी बंदे को 30 साल हो रही हैं, किसी बंदे को 25 साल हो रही हैं, मुझे केवल 12 साल हुई हैं सर, उसके बाद ही मैं बेच चुका होगा, ये 12 साल मैंने कहीं और बर्बाद की होती ना तो मैं आज कहीं और होता, आप इस तरह बेच चुके हैं ना हम इधर के ना उधर के। बैंक तो फिर भी बैंक तो ये कहती है तुम चले जाओ, लेकिन कहाँ जाएंगे सर? सोचा किसी ने हम लोगों के बारे में? किसी ने नहीं सोचा, उनके आधे से ज़्यादा काम हम लोग करते हैं, अगर हम लोग बैंक छोड़ के चले जाएँ ना तो सर खुद उठा के कोई काम नहीं करेगा, पानी के नाम पर पूरा काम किया जाता है सर, बोला जाता है कैंटीन बॉय, लेकिन हर काम हम लोग से कराया जाता है, फाइलिंग से लेके चेक बुक लगाना है, कस्टमर आना है, आज के समय में ये समझिए सर, आज बैंक 10-10 स्कीमें चला रही है, कहीं पाई कराना है, खाते खुलवाना है, वो सब तुम कस्टमर पकड़ के लाओ, ये करो वो करो, लेकिन क्या हम लोग की सैलरी पे कोई ध्यान नहीं देता है। ये समझिए कि अगर कोई काम भी होना है तो हम लोग, अगर मैनेजर बैठा है, स्टाफ बैठा है, तो हम लोगों की ड्यूटी है बैठना ही है सर, कोई टाइमिंग नहीं है हम लोगों की। अगर हम तो ये चाहते हैं आज हमें बोलने का मौका मिला है तो अगर ये बात कहीं जा सकती हो सर तो इसे भेजें, आज मुझे पहली बार मौका मिला है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की। सुनिए मोदी जी कुछ नहीं कहते हैं, आज तक जो नेता आया केवल बोलते ही रहा,
अगर हमसे पूछा जाए सर, किसी ने कुछ नहीं किया। जहाँ बैंक का नेता बनाने में भी तो आप सब लोगों का हाथ होता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी बैंक के अंदर खाता खुलवाने के लिए। देखिए, जनता केवल ये सोचती है कि आज इसने काम किया तो अगला वो काम करेगा, इसलिए हम लोग मौका देते हैं। किसने काम किया? ना मायावती, ना मुलायम सिंह, ना अखिलेश सिंह, अब आ गए मोदी जी, उनको भी देख लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अरे हम कोई भी हो सर, हम कह रहे हैं हमें नहीं है इतनी नॉलेज, तभी हम कैंटीन बॉय बने। ठीक है सर, ये सोच के बने दो साल। ठीक है, मेरा सर लीला राम नाम है। ये जो सर, मैं सर दिल्ली से ही हूँ जी। सर हमारी मांग ये है कि हम पिछले 23-24 साल से स्टेट बैंक की हर शाखा में कैंटीन बॉय, एज ए कैंटीन बॉय काम कर रहे हैं। हम लंबे समय से डिमांड करते आ रहे हैं कि जी हमारा मिनिमम वेजेस तय किया जाए। बैंक काम कराने के टाइम पे तो कहता है तुम बैंक के आदमी हो, जब हमारी डिमांड आती है तो कहता है कि तुम बैंक के आदमी नहीं हो, आप जा सकते हो। तो सुबह बैंक में आने का तो टाइम है, बैंक से जाने का टाइम कोई नहीं है। आज जो स्थिति बनी हुई है, बैंक में चपरासी है नहीं, तो कैंटीन बॉय से सारा काम लिया जा रहा है। अभी हमारा जो है दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर भी विचाराधीन है, उसमें भी समय लगेगा। हमें पूरा विश्वास है हम हाई कोर्ट में ये हमारे हक के लिए ज़रूर वो सुनेंगे। सर देखिए, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी बना रखी है बैंक ने, जहाँ पर आदमी ज़्यादा है वहाँ पर 200-200 रुपये ज़्यादा है, मैक्सिमम 1700 रुपये से लेके और 1250 रुपये, 1200 रुपये वो नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता। ये तो सर मजबूरी हमारी, ये मजबूरी कोई नहीं, हम तो बैंक में आए थे कि हम जैसे पहले होता है बैंक में कि भाई आप कैंटीन में लग जाओ और आपको कन्वर्ट करके मैसेंजर बना दिया जाएगा, तो उसी उम्मीदवार पे हम लोग लगे रहे। जितने भी एजीएम आए हमारे ब्रांच में, ब्रांच मैनेजर रहे, सब ये कहते थे भैया यहाँ पे जो आ गया उसका बैंक ने उधार किया ही किया है। उसी आज हर आदमी आया, जो भी आया ब्रांच मैनेजर, क्योंकि जो कैंटीन बॉय है वो ब्रांच का पिलर है। उसको हम देखिए, हमारे यहाँ पर एक ब्रांच लेवल पे एक लोकल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होती है, वो हमको नियुक्त करती है, वो हमको नियुक्त करती है, और उसमें जो हम पूरा बैंक का काम करते हैं, कुछ भी नहीं लिखा होता सर, कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ एक झांसा दिया जाता है कि आ जाओ, ये बैक डोर एंट्री है, आप यहाँ पे काम करो, कुछ टाइम बाद आपको परमानेंट कर देंगे। जो भी ब्रांच मैनेजर, क्योंकि कैंटीन बॉय इतने लंबे समय से काम करता आ रहा है, उसे हर कस्टमर जानता है, हर मार्केट में लोग जानते हैं, बिजनेस लेने ला करके देने वाला कैंटीन बॉय है, भाई हो, एनपी हो, कुछ भी हो, कैंटीन बॉय को ले चलो, ये जानता है। मार्केट में चले जाते हैं ना, तो मार्केट वालों को ये नहीं पता होता कि इनके साथ में ब्रांच मैनेजर आया, वो पहले कैंटीन बॉय को कहता है हाँ जी क्या हाल है, फिर हम रिफरेंस देते हैं, ये हमारे साहब आए हैं, ऐसे ऐसे हैं, ये अकाउंट खोलना चाहते हैं। बैंक की कोई भी योजना आती है, जैसे अकाउंट खुलवाने हो और कोई छोटे मोटे लोन कराने हो, गरीबों के लोन कराने हो, तो सब वो एडवर्टाइजिंग वो कैंटीन बॉय करता है। बैंक में इतना काम कर रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। और जब अपनी डिमांड रखते हैं, हाँ कोई ब्रांच मैनेजर अच्छा आदमी है तो हमसे और एक्स्ट्रा वर्क करा करके तो थोड़ा सा हमको पैसा वैसा दे देता है, एक्स्ट्रा वर्क करा के, जैसे हमारे को कुछ बैंक का काम कराया उसने, नहीं नहीं लेबर, बैंक का जो खर्चा खाता है उसमें से डेली जी जो चार्जेस है उसमें से बैंक के बहुत सारे काम होते हैं। आगामी योजना यह है कि जी हम सर देखिए, हम तो शांत होने वाले नहीं है जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। रोड मार्च पे उतरे हैं और कोर्ट तक गए हैं, हम ऐसे ही करते रहेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। अब ये कोर्ट तय कर दे कि हमारा बनता है नहीं बनता, अगर कोर्ट मना कर दे तो हम ठीक है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, मगर मानवता के आधार पे आप कहीं भी रोड पे देखिए, कोई अगर मजदूर काम कर रहा है रोड पे तो उसको उतना मेहनताना देता है,
जो भी काम करवा रहा है उसको, मगर बैंक में तो 1500 रुपए से ज्यादा कोई दे ही नहीं रहा। Oh!